आइए शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक एंड दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स, मतलब एटम्स कैसे मिलते हैं और कैसे दिखते हैं। हाँ जी ठीक है, तो बेसिकली हम पहले बात करेंगे किसकी, नॉवल गैसेस की। एटम्स में किसकी बात करेंगे, नॉवल गैसेस की। नॉवल गैसेस क्या होती हैं, ऐसे एलिमेंट जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा कैसे मिलेंगे, फ्री स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉवल गैसेस। सो द एटम्स ऑफ नॉवल गैसेस आर केमिकली अनरिएक्टिव। जब वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो फिर वो किसी के साथ कंबाइंड भी नहीं होंगे, और जब कंबाइंड नहीं होंगे तो बेटा वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। सो द एटम्स ऑफ नॉवल गैसेस आर केमिकली अनरिएक्टिव, सो दे एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट इन नेचर। एनी प्रॉब्लम? सेकेंड पॉइंट, अब ये होती क्या भाई नॉवल गैसेस। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हीलियम। आपने सिंबल्स याद किए होंगे, उसमें आपको हीलियम मिला होगा। हीलियम कभी भी ऐसे नहीं मिलेगा HE2, या फिर ऐसे नहीं मिलेगा HeO2, कभी भी किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये क्या होते हैं, केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, और जब अनरिएक्टिव है मतलब किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो ये खुद के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से और भी बहुत सारे होते, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई थी अगर आपको याद हो, इस तरीके से। तो पीरियोडिक टेबल में ये जो लास्ट वाला ग्रुप है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नॉवल गैसेस हैं, और नॉवल गैसेस किसी के भी साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलेंगे, या फिर किसी के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या है, नियॉन, जिसका सिंबल क्या है, Ne। इसके बाद आर्गन, जिसका सिंबल क्या है, Ar। इसके बाद है क्रिप्टन एंड सो ऑन। ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, नॉवल गैसेस हैं। अगर वो आपसे पूछ ले गिव टू एग्जांपल्स ऑफ नॉवल गैसेस, तो बेटा याद रखना हीलियम, आर्गन, नियॉन एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाओ, वो आपसे क्या कह रहा है, एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर केमिकली रिएक्टिव, सो दे आर फॉर्म्ड इन द नेचर कंबाइंड स्टेट। मतलब ज्यादातर ये कुछ है, टोटल कितने थे, 118 एलिमेंट्स, उसमें से ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, अदरवाइज मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं वो केमिकली रिएक्टिव होते हैं, और रिएक्टिव होने की वजह से वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, अच्छा तो एटम्स जो है मेनली आपको दो फॉर्म में मिलेंगे अगर केमिकली रिएक्टिव है तो। पहला तो वो मिलेगा आपको कंबाइंड फॉर्म में, मतलब के मॉलिक्यूल फॉर्म में। भाई अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड हो गए तो इसको हम क्या बोलते थे, मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड। ठीक है, दूसरा आपको मिलेंगे आयंस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में। जैसे सोडियम की अगर मैं बात करूं तो सोडियम का सिंबल होता है Na। या तो ये बेटा किसी के साथ रिएक्टेड मिलेगा, रिएक्टिव फॉर्म में मिलेगा NaCl या NaOH, किसी ना किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में होगा, और अगर कंबाइंड फॉर्म में नहीं होगा तो ये होगा आयंस की फॉर्म में। आयन कौन से होते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव का चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं आयंस। ठीक है, जैसे अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो उसके ऊपर 3+ का चार्ज होता है, जैसे कि मैग्नीशियम की बात करूं तो 2+ का चार्ज होता है। तो जब चार्ज होता है तो बेटा वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और साथ के साथ नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो चार्ज चाहे पॉजिटिव फॉर्म में हो या नेगेटिव फॉर्म में, जब वो चार्ज की फॉर्म में होते हैं तो किसी के साथ कंबाइंड नहीं होते हैं। जैसे कि NaCl क्या होता है, क्या आप लोग जानते हो, सॉल्ट, जो हम खाने में खाना खाते हैं वो होता है सॉल्ट। अगर इसको हम वाटर में मिक्स कर दें तो ये ब्रेक कर जाता है किसमें, Na+ में और Cl नेगेटिव में। तो अब जो वाटर में आपको सॉल्ट मिल रहा है वो किस फॉर्म में है, आयंस की फॉर्म में है। जो एटम्स मिल रहे हैं वो किस फॉर्म में मिल रहे हैं, एटम आयंस की फॉर्म में मिल रहे हैं। तो जो एटम्स हैं वो या तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेंगे, मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलेंगे, या फिर आयंस की फॉर्म में मिलेंगे। समझ में आ गई बात या नहीं? हाँ जी, सी सॉल्ट होता है वो भी इस फॉर्म में होता है। हाँ जी बिल्कुल, ये सी से ही तो निकलता है सॉल्ट। ठीक है, नहीं नहीं कंबाइंड फॉर्म में होता है। ठीक है, सो बेसिकली या तो एटम किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा,
और अगर रिएक्ट नहीं करेगा तो वो नॉवल गैसेस होंगी। नॉवल गैसेस के एग्जांपल आपके सामने ये रहे। और अगर वो रिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्ट करता है, तो वो या तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलेगा या फिर आयंस की फॉर्म में मिलेगा। क्या बात क्लियर हो रही है? एनी डाउट? हाँ जी बेटा, एनफ, पे योर अटेंशन हियर। इसके बाद हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। अभी इस वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हम बात करेंगे किसकी? मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब बेटा टू और मोर एटम्स कंबाइंड केमिकली टुगेदर तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे? H2O, which is a molecule. जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड हो जाएंगे तो ये क्या है? एक मॉलिक्यूल। जैसे कि सिर्फ O2 है तो यहां पर टू ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड है तो ये भी क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मैं बोल दूं H2SO4, ये क्या है आपका? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है। यहां पर देखो सिर्फ टू एलिमेंट्स है, यहां पर देखो थ्री एटम्स कंबाइंड है, दो एलिमेंट्स हैं, थ्री एटम्स हैं और टू एलिमेंट्स हैं। एटम्स कितने हैं? देखो दो हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का, तो थ्री एटम्स हो गए टोटल। और एलिमेंट्स कितने हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सिर्फ टू एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहां पर जरा डेफिनेशन में आ जाओ। अ मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, पॉजिटिव या नेगेटिव का चार्ज ना हो, उसको हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहते हैं। सो अ मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स केमिकली कंबाइंड टूगेदर। क्या बात क्लियर हो गई? एग्जाम्पल्स मैं यहां लिख देता हूं, एग्जाम्पल्स मैं यहां पर लिख देता हूं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे H2O, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2SO4, NaCl एक्सेट्रा। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे एटमोसिटी की। कई बार ये वन मार्क में क्वेश्चन आता है, मोस्टली आपको देखने को मिलेगा, या फिर ये कई बार किस में आ जाता है? MCQs की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो जरा देखिए एटमोसिटी क्या होती है, जरा समझिएगा ध्यान से। द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटमोसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एटमोसिटी, एटमोसिटी ऑफ H2O इज, बेटा ये बताइए H2O में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? देखो टू तो है हाइड्रोजन और वन है ऑक्सीजन, तो टोटल कितने हो गए? थ्री। सो एटमोसिटी ऑफ H2O इज थ्री। अगर मैं आपसे पूछूं एटमोसिटी ऑफ व्हाट? H2SO4 इज, तो यहां पे कितने हैं? फोर, फाइव एंड टू, सेवन। तो टोटल एटम्स आप काउंट करके लिखेंगे। ठीक है, अगर ऐसे आ जाए, मान लीजिए ऐसे आ जाए 2H2O, इसकी एटमोसिटी पूछ ले, वैसे तो पूछेंगे नहीं इस टाइप से, लेकिन फिर भी, तो ये 2 जो है वो हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। और ऑक्सीजन के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 हो गए ऑक्सीजन, तो इस टाइम पर टोटल एटम्स यहां पर कितने प्रेजेंट हैं? 6। और मॉलिक्यूल 2 प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं यहां पर। ठीक है, ये है। क्या क्लियर हो गया एटमोसिटी क्या होता है? एनी प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अच्छा, एटमोसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, तो ये मैंने नीचे लिख दिया है एटमोसिटी कुछ की। ठीक है, अभी एक टेबल भी देखेंगे एटमोसिटी। बेटा देखो, जैसे कि अभी मैंने हीलियम की बात करी, हीलियम किसके साथ कंबाइंड है? किसी के साथ भी नहीं, अकेला है। अगर ये अकेला होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनो। सिंगल का क्या मतलब होता है? मोनो, एक एटम है तो मोनो एटॉमिक। ये क्या हो गया? मोनो एटॉमिक। अगर मैं आपसे कहूं हाइड्रोजन गैस, यहां पर कितने एटम्स आपको नजर आ रहे हैं? टू। टू के लिए बेटा यूज करते हैं हम डाई। टू के लिए हम क्या यूज करते हैं? डाई। तो ये हो जाएगा डाई एटॉमिक। अब जैसे कि मैं बात करूं किसकी? O3 की, ओजोन लेयर। यहां पर कितने एटम्स नजर आ रहे हैं आपको हाइड्रोजन के?
सॉरी ऑक्सीजन के थ्री, तो ये होता है ट्राई एटॉमिक। क्या होता है? ट्राई एटॉमिक, ठीक है। और फोर, जैसे कि P4 आ जाए तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये टेट्रा एटॉमिक। क्या हो जाएगा? टेट्रा एटॉमिक, ठीक है। अगर फोर से ज्यादा हो जाए, फोर से अगर ज्यादा हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक, ठीक है। जैसे कि ये टेबल आपके सामने है, ओ, 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 अच्छा अभी आगे आएगी टेबल आएगी, क्या यहां तक क्लियर है? हाँ, या तो गई, वेयर इट इज, वेयर इज इट? हाँ जी भाई, कहाँ है? आ जा, ये रही, ठीक है। आप जरा देख लीजिए, जैसे कि वो आपसे सबसे पहले पूछ रहे हैं आर्गन, आर्गन के कितने एटम्स हैं? सिर्फ एक एटम है, इसीलिए ये क्या है? मोनो एटॉमिक है, ठीक है। वन का मतलब, वन के लिए यूज करते हैं हम मोनो, टू के लिए हम यूज करते हैं डाई एटॉमिक, तो आगे लगाई दोगे, थ्री के लिए यूज करते हैं ट्राई, फोर के लिए यूज करते हैं टेट्रा, और अगर फोर से ज्यादा हो, मोर देन फोर, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पॉली। क्योंकि ऐसे देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बढ़ता ही रहेगा, ऐसे कितने नाम रखोगे आप? तो फोर से ज्यादा के लिए हमने क्या लिख दिया है? पॉली एटॉमिक, ठीक है। अच्छा, हीलियम, यहां पर अगेन एक ही एटम है तो ये क्या है? मोनो एटॉमिक है। ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं? टू, इसीलिए ये क्या है? डाई एटॉमिक है। एटमोसिटी पूछेंगे वो आपसे, व्हाट इज द एटमोसिटी ऑफ दिस? अगर कंबाइंड फॉर्म में होंगे तब तो आप बता दोगे, जैसे H2O, हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी प्रेजेंट हुआ तब तो आप सिंपली बताओगे 3 है, 4 है, 5 है। लेकिन जब एक ही एटम प्रेजेंट है, सॉरी एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है लेकिन वो आपस में कंबाइंड है, तो उस केस में हम मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक के बारे में उनका नाम जो है वो ऐसे बताते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर कितने ऑक्सीजन हैं? 3, जो कि ओजोन की लेयर होती है, यह है ट्राई एटॉमिक। हाइड्रोजन है डायटॉमिक, ये सारे क्या है? डायटॉमिक, ये भी डायटॉमिक, डायटॉमिक। यहां पर कितने आ गए? 4 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस। जब 4 आ गया, 4 के लिए मैंने आपको क्या बताया? टेट्रा, और आगे क्या लगाओगे? एटॉमिक। तो यहां पर क्या आएगा P4 के लिए? टेट्रा एटॉमिक। और अगर 4 से ज्यादा हो जाए, जैसे कि यहां पर सल्फर कितने हो गए? 8, और अगर 4 से ज्यादा होगा तो हम क्या यूज करते हैं? पॉली, तो इसीलिए ये क्या है? पॉली एटॉमिक है। अगर सिंगल एटम प्रेजेंट है किसी भी एलिमेंट का तो मोनो एटॉमिक, 2 एटम्स किसी के अगर प्रेजेंट है तो डायटॉमिक, 3 प्रेजेंट है तो ट्राई एटॉमिक, 4 प्रेजेंट है तो टेट्रा एटॉमिक, और अगर 4 से ज्यादा हो जाए 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो समझ जाना कि वो क्या है? पॉली एटॉमिक है। ऐसा हम कब बताएंगे? जब एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो। अगर H2O आ गया, इस केस में मोनो एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, डाई एटॉमिक की बात नहीं करेंगे। इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 3। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो? है ऐसे नहीं बनेगा बेटा, ऐसा मॉलिक्यूल नहीं बनता, H3O नहीं बनेगा, ठीक है। इसके पीछे रीजन है, वैलेंसी वगैरह जब आपको सिखाई जाएगी तब क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट? आगे बढ़े, अब आ जाइए मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। ये आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, अभी जो टेबल आने वाली है, ये सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ये फॉर्मूले बने कैसे हैं वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी बाद में, लेकिन अभी तो आपको टेबल याद करनी है, ठीक है। देखो, हमें टेबल्स भी तो मल्टीप्लाई करना आते हैं, जैसे मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, हमें पता है 4 सिग्जा कितना होता है? हाँ जी, 24। लेकिन हमें तब भी याद करते हैं ना, क्योंकि याद करने से हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है? इजी हो जाती है। मान लीजिए कोई आपसे कहते भाई 19 एट्स बताओ, अब अगर आपको टेबल याद है तो बड़े आराम से आप लिख पाओगे, टेबल याद नहीं है तो फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते रहोगे बैठकर। तो आपको अभी सिखाया तो जाएगा कि कैसे बना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन अगर आपको याद होगा तो आपकी जो सॉल्यूशन है वो फास्ट हो पाएंगे, ठीक है, इजी हो जाएगी आपके लिए केमिस्ट्री। अच्छा, अब आ जाओ किस पर?
मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो जरा देखिए, अ मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल हम किसे कहेंगे, कंपाउंड का मॉलिक्यूल। किसके बात कर रहा हूं मैं, कंपाउंड के मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। कंपाउंड का मॉलिक्यूल हम तभी बोलेंगे जब उसमें टू या मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट होंगे। अगर ऐसे है तो ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ये है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड तभी बनेगा जब टू और मोर देन टू डिफरेंट एटम्स या एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट हैं तब। क्या बात क्लियर हो रही, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अच्छा, जैसे कि H2SO4, ये क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन गैस, तो ये बेटा मॉलिक्यूल तो है लेकिन ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड नहीं है, ये क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखते हैं जरा। पूछो। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है वो, ठीक है। अच्छा, अब जरा समझिएगा, जैसे कि हम बात करें अ कंपाउंड, अरे बैक आ जाओ, अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड कब बनता है, जब H और Cl आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ मैं कुछ, जैसे कि H2O एक एग्जांपल हो गया, CO2 हो गया, H2SO4 हो गया, C2H6 हो गया या 4 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे के सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल्स है। यहां पर जरा देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड कब बनेगा, जब HCl आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। तो यहां पर देखो, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट है या नहीं है, हैं। इसका मतलब ये क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। तो यहां पर हाइड्रोजन का एटम प्रेजेंट है और क्लोरीन का एटम प्रेजेंट है, इज दैट क्लियर। अच्छा, और कौन कौन से एग्जाम्पल्स है जरा देख लीजिए, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूले। अब दिक्कत ये है, क्या है दिक्कत जरा समझिएगा, कि कहां पर 4 लगा है, कहां पर 3 लगा है, कहां पर 2 लगा है, कहां पर ब्रैकेट लगा है, ये सारी की सारी चीजें बेटा याद करनी पड़ेंगी, और ये चीजें याद होंगी प्रैक्टिस कर करके। कैसे, लिख कर प्रैक्टिस करके। एक बार अगर आपको ये सारी चीजें याद हो गई, इनके फॉर्मूले याद हो गए, तो आपकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगी। और अगर आपने इसमें लापरवाही कर दी और आपसे ये याद नहीं हुए, तो समझ लो बेटा टेंथ में भी दिक्कत आएगी, टेंथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री टेंथ में ऐसे इस लैंग्वेज में चलेगी। अब अगर आपको पता ही नहीं है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, तो बेटा फिर आपसे नहीं हो पाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इधर ध्यान दो बेटा, क्लियर हो रही बात यानी। चलो आप जरा ध्यान दीजिए, ये क्या है, नेम ऑफ कंपाउंड्स, और ये क्या है उनका फॉर्मूला, और ये देखना है कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। दिवांश इधर ध्यान दो, जैसे कि वाटर, वाटर कहीं पर भी आएगा तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O। अब ये किस किस से मिलकर बना है, ये बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर। इसकी एटमोसिटी क्या है, 3, क्योंकि यहां पे 2 है हाइड्रोजन और 1 है ऑक्सीजन, तो टोटल कितने हो गए, 3। क्या बात समझ में आ रही है। जैसे कि अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, ठीक है। इसमें कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2, सिट प्रॉपरली। ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CaClO2 होल ट्वाइस, ये क्या है, होल ट्वाइस है, ठीक है। होल ट्वाइस का मतलब ये जो 2 लगा हुआ है वो क्लोरीन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है बेटा कास्टिक सोडा का फॉर्मूला, NaOH।
ये है क्या, पोटैश सोडा विच इज KOH, ठीक है। यहां पर क्या है, कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में खाते हैं NaCl, ये बेकिंग सोडा का, ये वॉशिंग सोडा, क्विक लाइम, स्लेक लाइम, जिप्सम, POP, POP क्या जो हमारे घरों में यूज होती है ना, POP करवाते हैं घर में, वो है उसका फॉर्मूला है ये, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये रहा विनेगर जो सिरका आप लोग खाते हो, सिरका खाते हो ना, उसका फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। ये सारी के सारे फॉर्मूले आपको बेटा याद करने पड़ेंगे। किसमें नहीं 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 नहीं, ये बेटा अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ओ आएगा। एक्चुअली यहाँ पर जो ओ है ना वो एक कार्बन के साथ अलग से है, और यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो अलग से, ठीक है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ लगा हुआ है और एक ऑक्सीजन लगा हुआ है हाइड्रोजन के साथ, तो इसलिए इसको अलग अलग ही लिखा जाएगा। हाँ जी बेटा देखो, अब इन सभी के अगर आप पूछने लगोगे ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो इन सभी के टॉपिक्स अलग अलग दिए हुए हैं। कुछ आपके 9th क्लास में है, कुछ आपके 10th क्लास में है, लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन जो है जिप्सम क्या होता है वो बता देता हूँ। जैसे प्लास्टर होता है हमारे हाथ में, हाथ में फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो एक लिक्विड सा आता है, मतलब पाउडर सा आता है, जैसे आटा गूंदा हुआ होता है ना, ठीक है। जैसे उसको पानी से लगाकर बाहर रखते हैं वो क्या हो जाता है, एकदम हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो होता है वो जिप्सम होता है, ठीक है। तो अब ये सारे कंपाउंड्स अगर पूछोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बेकिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, ये सारे के सारे आपको 10th क्लास में कराए जाएंगे, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, नाम के साथ क्या करना है, इनके फॉर्मूले याद करने। बेकिंग सोडा आपने सुने होगा, घर में भी कई बार आया होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, उनमें कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है वो, ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ठीक है। आगे बढ़े, अब बात करेंगे किसके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड केमिकल फॉर्मूला की। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला एक ही चीज है, इसीलिए बीच में क्या लिखा हुआ है, और आप अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं या फिर केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं, दोनों का मतलब सेम ही कंसीडर किया जाएगा। क्लियर हो रही बात, यानी जरा देखिएगा क्या फायदा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी चैप्टर का बताया था, अगर मैं बोलूं वाटर, क्या वाटर से आपको यह समझ में आ रहा है कि इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है, नहीं पता चल रहा है इसका। ये साइंटिफिक नेम नहीं है, कॉमन नेम है। अगर साइंटिफिक नेम बोलूं हाइड्रो ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब एक बात बताओ, अगर हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलूंगा तो आपके ये समझ में आ जाएगा कि इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन आपको इस नाम से यह पता नहीं चल रहा कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन का मतलब कि ये एटम्स कितने कितने प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट है और ऑक्सीजन 1 प्रेजेंट है। ये चीज आपको कौन बताएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि मैं सल्फ्यूरिक एसिड बोलूं आपसे, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड बोल रहा हूं, सल्फर तो समझ में आ रहा है कि भाई सल्फर होगा, क्या आपको यह पता चल रहा है कि उसमें हाइड्रोजन भी होगा, नहीं पता चल रहा। तो अगर कोई केमिकल नेम है उससे आपको एटम्स कौन कौन से प्रेजेंट है यह पता नहीं चलेगा। दूसरी चीज, आपको उसकी कॉम्पोजिशन पता नहीं चलेगी। कॉम्पोजिशन का मतलब कि यहां पर हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, यहां पर सल्फर कितने प्रेजेंट है और यहां पर ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है। Are you getting my point? तो molecular formula आपको ये बताने में भी help करता है कि atoms की composition क्या है। Is that clear? अब आ जाओ बेटे definition पे। A molecular formula represent the composition of a molecule of the substance, एक ही आएगा, substance in terms of symbols of the elements present in the molecule। तो किसी भी molecule में किस 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 एलिमेंट के कितने कितने एटम्स प्रेजेंट हैं ये आपको बताता है कौन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और साथ के साथ सल्फ्यूरिक एसिड इतना बड़ा नाम है, उसको हम कितने शॉर्ट फॉर्म में लिख पाते हैं, H2SO4, ठीक है। तो वो तो एक हेल्प होगी होगी। इसके बाद एग्जांपल जरा देखिए, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, H2, ठीक है, एंड टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं आपसे पूछूं
ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यहां पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं? सिर्फ एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। कैसे? जब टू हाइड्रोजन्स आपस में कंबाइंड होते हैं तब वो मॉलिक्यूल बनता है। अगर अलग से लिखा हुआ है तो ये क्या है? एटम है। जब ऐसे नीचे 1, 2, 3, 4 वगैरह कुछ लगा हुआ है तब वो क्या है? मॉलिक्यूल है। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? सिर्फ एक। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, तो एटम्स कितने हैं? 2। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। वो आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, आपने हाइड्रोजन पढ़ा बस आ गया और लिख दिया येलो जी 2। आपने ये पढ़े ही नहीं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बोल दिया है उन्होंने आगे, ठीक है? तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बोलेंगे तो 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बोलेंगे तो फिर 2 हो जाएगा। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि यहां पर P4 है, फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये बताओ कि यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल, क्योंकि जब 4 फॉस्फोरस आपस में कंबाइंड होते हैं तब ये मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कितने फॉस्फोरस के एटम्स प्रेजेंट हैं, तो बेटा 4 एटम्स प्रेजेंट हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं ऐसे लिख दूं नाइट्रोजन, तो यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं? सिर्फ एक, और एटम्स कितने हैं? 2। अगर मैं लिख दूं 3, तो यहां पर 3 मॉलिक्यूल्स हैं किसके? नाइट्रोजन के। और एटम्स कितने हो गए? 3 2 6। 3 2 6, एक मॉलिक्यूल में अगर 2 नाइट्रोजन है तो 3 मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे? 6 नाइट्रोजन्स। वो आपसे पूछेंगे भाई एक हाइड्रोजन और इसका मतलब बताओ, तो H रिप्रेजेंट 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड H2 रिप्रेजेंट 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन इसका उल्टा भी आ सकता है। क्या बात क्लियर हो रही है, क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, कई बार एग्जाम में आता है। अब आ जाओ इसमें NH2, ये NH3 होगा, NH3 अमोनिया फॉर्मूला होता है NH3, अभी पीछे हमने देखा था। NH3 बेटा क्या रिप्रेजेंट करता है? NH3 रिप्रेजेंट करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट नहीं होगा भाई, 3 एटम्स, ये 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन होगा। यहां पर क्या है? 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट है और 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट है। क्या बात समझ में आ रही है? यहां पर नाइट्रोजन सिर्फ एक है और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको करना है। तो इसी के साथ हमारा मॉलिक्यूल वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है। आई होप के बात समझ में आ गई होगी कि किसको मॉलिक्यूल कहते हैं और किसको एटम्स कहते हैं, ठीक है? एनी प्रॉब्लम? तो इसको जरा नोट कीजिए।